दिल्ली साइबर सेल पुलिस ने स्कूली बच्चों को साइबर अपराधों और उनसे सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। साथ ही पुलिस ने मोबाइल को सुरक्षा के मुताबिक इस्तेमाल करने को लेकर भी जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली के 21 विद्यालयों के 4500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और शुरुआत में साइबर क्राइम को लेकर एक वीडियो फिल्म और PPT प्रेजेंटेशन भी हुई। दिल्ली के कितने स्कूलों में आपने ये साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस का प्रोग्राम किया और बच्चों के लिए ये प्रोग्राम कितने फायदेमंद साबित हुआ? टुडे एक्चुअली 9 स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड, 9 स्कूल्स टोटली, बट 9 वेन्यूज आर देयर इन द 30 स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन द्वारका वेन्यू एंड 21 स्कूल्स हियर मयूर विहार फेस्टिवल। एंड यस, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड हाउ टू सिक्योर द डेटा इन स्पेशली इन द फेसबुक, स्नैपचैट। वहीं स्कूल के डायरेक्टर ने दिल्ली पुलिस के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि साइबर सेल का ये कदम साइबर क्राइम को रोकने में काफी मददगार साबित होगा, खास करके साइबर अपराध के बारे में। जी हाँ, क्योंकि बच्चों में जागरूकता की कमी है, दिल्ली पुलिस के इस प्रयास से उन्हें इसका पता चल पाएगा। दिल्ली पुलिस ने ये वर्कशॉप किया है, मैं समझता हूँ कि ये वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज बच्चे जो है वो टीनएजर से मैं कहूँ तो उससे छोटे बच्चे भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और जो आज फेसबुक व्हाट्सअप और ये जो चला है इसमें उन्हें नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ जा कर के इसमें क्राइम के पार्ट बनेंगे, क्योंकि वो लोग जो रिक्वेस्ट आती हैं उन सबको आगे देखते हुए और उन्हें अटैच करते हुए चले जाते हैं, और बच्चों में एक क्रेज होता है कि उसको फेम सी मिले, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरत थी। और मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी पहल है। मैं आज इस मौके पर आपके सब चैनलों के माध्यम से कहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और इसको आगे स्कूलों में एक क्लब के माध्यम से बनाएं और आकर के बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दें। इसके अलावा साइबर सेल जागरूकता को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने बताया कि पुलिस के इस जागरूकता कार्यक्रम में उन्हें कई बातों की जानकारी मिली जिसका उन्हें पता नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सर, काफ़ी यूज़फुल सेशन रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यहाँ हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, बट आई थिंक ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं सोशल मीडिया पे रह के। तो सर और पूरी टीम ने, दिल्ली पुलिस की टीम ने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इसके रिगार्डिंग कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए बीइंग ऑन सोशल मीडिया, और अगर हम आई थिंक जितने भी रूल्स हमें बताए गए हैं अगर हम उनमें से कुछ रूल्स भी फॉलो कर पाएंगे तो आई थिंक कोई थेफ्ट और साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम होगी। तो आई थिंक ये जो जितनी भी अवेयरनेस हुई है, अगर हम सिर्फ इसको 4,500 बच्चों तक ना लिमिटेड रख के आगे भी कई लोगों को बताएं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी अवेयरनेस जो हमें मिली है हम उसको आगे भी ट्रांसफ़र करेंगे और होप करेंगे कि सबको ये चीज़ें पता चले और किसी के साथ भी साइबर थेफ्ट या साइबर क्राइम ना। सर, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दोस हु आर सेटिंग जस्ट सो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट साइबर क्राइम, सो टुडे वी बेसिकली गेट अ बेसिक नॉलेज दैट इन फ्यूचर इफ यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन टैकल इट, दैट इज द मेन थिंग।